शाला एक परिषद के तहत शिक्षकों की ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इस ट्रेनिंग में समस्त विद्यालयों के शिक्षक मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रशासन के द्वारा सभी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, जिसके तहत ट्रेनिंग शिक्षकों को दी गई। जी जी बिल्कुल, इस सत्र में तो आपकी दोनों शाला की जो डाइस बोर्ड था वो अलग अलग था, तो इस शाला में तो आपने तो सॉरी इस सत्र में तो आपको करना पड़ेगा कि शाला के लिए अलग जो भी बोर्ड होता है वो डालना पड़ेगा अलग शाला से। लेकिन 2019 के सत्र से आपको सेम शाला रहेगी, तो आपको ये निर्णय की आवश्यकता। कोई और प्रश्न है? एक बार मैं प्रस्तुति पूरी कर लेता हूँ, 10 मिनट का और समय लगेगा, फिर हम प्रश्नों या सुझावों को लेंगे। तो जैसा मैं बता रहा था कि कृपया सभी बीओ बीआरसी जो एक परिसर एक शाला, इसके एक परिसर में जितनी भी शालाएं संचालित हैं उन सबको मर्ज करके एक संस्था बनाई जा रही है। इससे शिक्षकों की योग्यता का अधिकतम उपयोग हो सकेगा और जहां शिक्षकों की कमी है वो भी पूरी होगी और विद्यालय के जो संसाधन हैं उनका भी समुचित उपयोग हो सकेगा। इसको लेकर पूरे प्रदेश में 2 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है। आज यहाँ उत्कृष्ट विद्यालय में भी प्रशिक्षण का 3 दिवस है।